कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके आप लोगों के साथ मैं जुड़ गया हूँ हर मंथ के एक्सक्लूसिव वीडियो के साथ। हर मंथली आपको मालूम है एक्सक्लूसिव वीडियो हम आपको देते हैं, जिसमें आप लोगों को बताते हैं ये खाद तेल बाजारों का एक्सक्लूसिव वीडियो है। खाद तेल बाजारों में किस तरीके से कामकाज होगा, सोया ऑयल, पामोलिन, राइस ब्रैन ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, जैसे कि आपको मालूम है न्यूज मार्केट 24 ने आप लोगों को पीछे बताया कि बाजारों में किस तरीके से कामकाज होगा, किस तरीके से रणनीति आप बना के बाजारों में चल सकते हैं, सारी जानकारी दी। और बाजार में आपने देखा कि मार्केट में उसी तरीके से बाजार में कामकाज होता हुआ नजर आया। हम कभी आपसे ये नहीं कहते 100% हम आपको एक्यूरेट जानकारी देने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारा एफर्ट जरूर रहता है कि हम आपको जो भी जानकारी दें आपको सही जानकारी दें, जिससे आपको आप जो व्यापार कर रहे हैं उस पर आपको मुनाफा मिल सके। तो आपको जानकारी देने की कोशिश करते हैं। तो जिन लोगों को भी 9:45 का हमारा शो, 9:45 के शो में आपको जुड़ना है तो स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा होगा, अभी जाइए। सोमवार से शुक्रवार का फेमस शो है, आप जुड़ सकते हैं। जो लोग जुड़ते हैं वही लोग वहां पर आप डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, यूट्यूब पे ये फ्री सेशन नहीं है, तो आप इसको समझ के अभी जाइए। आपको स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, स्कैन कोड आ रहा होगा, डायरेक्ट आप जुड़ सकते हैं और रोजाना मार्केट के ट्रेंड व्यू को हमारे साथ जुड़ के व्यू को समझ सकते हैं, अपने सवालों के जवाब पूछ सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं खाद तेल बाजारों में सोया ऑयल, पामोलिन, राइस ब्रैन ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन सीड में क्या स्थिति है, बाजारों में क्यों तेजी आई है, बाजारों में क्यों तेजी आगे रह सकती है, क्यों बाजारों में गिरावट आ सकती है, सारे सवालों का पटाचेप यहां पर आपको करने की कोशिश आपके साथ हम यहां पर करेंगे। तो चलिए मैं अजय सिंह आप लोगों के साथ फिर से आप लोगों के साथ जुड़ता हूं। तो आपको बताता हूं कि सोया ऑयल का बाजार, जैसे कि आपको हमने बताया, जो लोग भी मॉर्निंग सेशन में जुड़े हुए हैं उनको ऑलरेडी बताया था कि 95 रुपए, आपको मालूम होगा 95 रुपए से सोया ऑयल में खरीदारी की सलाह दी और बाजार 101 रुपए हो गया। पामोलिन में खरीदारी की सलाह जो हमने आपको 90 रुपए के आसपास से दी, वहां से 99 हो गया। राइस ब्रान ऑयल का बाजार 90 रुपए से खरीदारी 97 रहा। मस्टर्ड ऑयल का बाजार आपको नीचे में 118 से 119 रुपए पे खरीदारी की सलाह दी, वहां से 128। सोयाबीन सीड आपको बोला था 150 से 200 रुपए की तेजी, वहां से 4740 रुपए, 4500 रुपए वाला 4740 रुपए। कांडला पोर्ट का पामोलिन 910 रुपए से 965 रुपए, सोया रिफाइंड 900 रुपए वाला 955 रुपए होता हुआ दिखाई दिया, सोया सनफ्लावर ऑयल 940 वाला 985 हो गया। अब बाजारों में क्या स्थिति है, किस तरीके से बाजारों में रणनीति बनाए, तो नोट करिएगा। सोया ऑयल में बाजार में देखिए बाजार ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, सितंबर मंथ में बाजारों में डिमांड आती हुई दिखाई दे रही है। 15 से 20 तारीख तक का आपको जो बाजार में परचेजिंग करनी है 15 से 20 तारीख तक की करनी है, तो आप अपना पोर्टफोलियो उसी तरीके से बनाएंगे। 15 से 20 तारीख तक कोशिश करिएगा अपना माल हल्का कर दीजिएगा, समझ लीजिएगा 15 से 20 तारीख तक अपना माल हल्का कर दीजिएगा, फिर जब नई पोजीशन बनेगी तो फिर आप खरीदारी करेंगे। अब सोया ऑयल में हम खरीदारी कहां पर करें, तो यहां पर देखिए, यहां पर हमारे तरफ से फ्रेश खरीदारी की बिल्कुल सलाह नहीं है, आप समझ लीजिए नई खरीदारी की अभी सलाह नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी क्या होता है कि दिक्कत होती है, लोगों को समस्या होती है, खरीदारी तो करनी ही करनी है, तो आप खरीदारी करेंगे, आपने वहां से आप खरीदारी करते हुए आप दिखाई देंगे। तो जिन लोगों ने खरीदारी आपको करनी है, अब आप 99 से 98 रुपए के आसपास अगर सोया ऑयल आपको मिलता है, कोई जरूरी नहीं कि 99 रुपए, आपको 99 से 98 रुपए, 99 मिल जाए वो बेस्ट है, 99 से 98 रुपए के आसपास आप खरीदारी करिए। नीचे में सपोर्ट क्या लगाएंगे, सपोर्ट लगाएंगे आप 95 रुपीज का, 95 रुपए का सपोर्ट लगाएंगे। पामोलिन आपको खरीदारी करनी है 97 रुपए से 96 रुपए के आसपास खरीदारी करिए, नीचे में सपोर्ट क्या लगाएंगे 92 रुपए का। राइस ब्रांड का सपोर्ट नीचे में आप क्या लगाएंगे, राइस ब्रांड में खरीदारी 94 से 95, नीचे में सपोर्ट लगेगा हमारा 92 रुपए का। मस्टर्ड ऑयल 123 से 24 रुपए के आसपास खरीदारी, नीचे में सपोर्ट क्या लगेगा हमारा, नीचे में अगर 24 से 25 भी मिलता है तो बिल्कुल खरीदारी करिए, नीचे में सपोर्ट लगेगा हमारा 122 रुपए का। अब सोया ऑयल यहां से क्या हो सकता है, तो सोया ऑयल हमारा यहां से बाजार 103 रुपए से 104 रुपए तक बाजारों में यहां पर से देखने के लिए मिल सकता है। पामोलिन का बाजार आपका 99 वाला 102 से 103 रुपए, राइस ब्रैन ऑयल का बाजार 100 रुपए तक देखने के लिए मिल सकता है। मस्टर्ड ऑयल का बाजार 130 से 31 रुपए की ऊपर की स्टिल लेंथ जो रेंज है। सोयाबीन सीड का बाजार आपका 4850 से 5000 रुपए तक का लेवल देखने के लिए मिल सकता है। इस महीने ड्यूटी की बहुत रूमर चल रही है, ड्यूटी फिलहाल लगी नहीं है, इस चीज को भी समझ के कामकाज करिएगा, ड्यूटी नहीं लगी है, ड्यूटी नहीं लगी है उसके बावजूद आप देख रहे हैं बाजार में बढ़ोतरी है। क्यों बढ़ोतरी है, क्योंकि पाइपलाइन खाली थी, विदेशी बाजारों से अच्छा टोन मिला, रिंगिट के बाजार तेज हुए, विदेशी बाजारों से संकेत अच्छे मिले, यहां पर पोर्ट पर माल ज्यादा होने के बावजूद भी बाजार तेज हुआ क्योंकि पाइपलाइन खाली थी, लोगों को माल लेना ही था,
तो पाइपलाइन खाली थी उसका इंपैक्ट देखने को मिला और बाजार में तेजी आती हुई दिखाई दी। तो बाजार में जो तेजी आई है उसको एक बार प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हुए चलेंगे तो बेटर रहेगा। मस्टर्ड ऑयल तक हमने आपको बता दिया कहां तक स्ट्रेंथ है। सोयाबीन सीड में हमने आपको बताया अगर आपको खरीदारी लॉन्ग टर्म के हिसाब से करनी है, थोड़ा सा बाजार में करेक्शन आ जाता है और नई सोयाबीन भी आएगी तो नई सोयाबीन पे जाइए फिलहाल के लिए, और नई सोयाबीन के आसपास से आप बाजारों में खरीदारी करेंगे तो बेटर रहेगा। और इसी तरीके से नई सोयाबीन में के आपके आसपास से आप खरीदारी करें और नीचे में यहां से आपको नीचे में जो सपोर्ट आप देखेंगे कि जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है, सपोर्ट जो आपको देखने के लिए मिलेगा नीचे में आपको एक 4550 का सोयाबीन का आप सपोर्ट, एक अच्छा सपोर्ट समझ लीजिए। मस्टर्ड सीड में 6500 रुपए तक की रेंज हमने 6000 के आसपास से ही बताई थी, फिलहाल आपको दोबारा एंट्री लेनी है तो 6200 से 6300 के आसपास खरीदारी करिए। नेफेड की लगातार बिकवाली होने के बावजूद भी सरसों उस तरीके से बाजार में नहीं पहुंच रही है जिस तरीके से पहुंचनी चाहिए और सरकार की ड्यूटी की रूमर जो चल रही है उसका असर देखने को मिल रहा है। इस वजह से बाजारों में आपको एक तेजी देखने के लिए बाजारों में यहां से आपको यहां से एक सरसों में तेजी देखने के लिए मिली है। और भी सरसों में आपको जो आउटलुक लेके चलना है 15 से 20 दिन का आपको आउटलुक लेके चलना है। अब बात कर लेते हैं कॉटन रिफाइंड में किस तरीके से। कॉटन रिफाइंड में आपको 98 रुपए से 97 रुपए के आसपास खरीदारी, 103 रुपए से 4 रुपए का भाव आपका कॉटन रिफाइंड में। मूंगफली का तेल 1525 है, ऊपर हम खरीदारी की सलाह नहीं देंगे, 1500 से 1490 पे खरीदारी करिए, 1550 तक के लेवल आपको देखने के लिए मिलेंगे। सनफ्लावर ऑयल बढ़िया है, बेस्ट है, ध्यान रखिएगा सनफ्लावर ऑयल बिल्कुल खरीदिए, 105 रुपए होता हुआ दिखाई दे रहा है सनफ्लावर ऑयल, ध्यान रख लीजिएगा। बाजार में खरीदारी 97 से 96 के आसपास, 94 का सपोर्ट लगा लीजिए उसके हिसाब से खरीदारी करिए। अगर हम केएलसी की बात करेंगे तो केएलसी 3700 रिंगिट नीचे में सपोर्ट, 4000 रिंगिट का रेजिस्टेंस, 3700 से 4000 रिंगिट पर ही बाजारों में कामकाज होगा। 4000 रिंगिट के ऊपर केएलसी निकलेगी तो 4200 से 4300 तक की स्ट्रेंथ है, 4000 रिंगिट के ऊपर केएलसी को 2 दिन सस्टेन होना चाहिए। और सीबॉट की अगर बात करेंगे तो $38 का नीचे में एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है, $38 के सपोर्ट के साथ ऊपर में 45 सेंट का एक रेजिस्टेंस है, उस हिसाब से बाजारों में कामकाज है। विदेशी बाजारों से जो खबरें आ रही है अर्जेंटीना वगैरह से, पामोलिन में तेजी क्यों हुई है, पामोलिन में तेजी होने का रीजन था कि पामोलिन में तेजी हुई तो बायोफ्यूल जो डीजल बनाते हैं उस पर 50% ब्लेंडिंग फ्यूल को यूज करने के लिए वहां पर बोला गया, इस वजह से तेजी देखने को मिली। और सोया ऑयल वगैरह में भी आपने देखा बाजारों में पामोलिन का एक सपोर्ट होता हुआ बाजार में दिखाई दिया। यहां खासकर सोया ऑयल में ड्यूटी की रूमर चल रही है कि ड्यूटी लगाई जाए, फॉरेन से जो तेल आ रहे हैं उनको किसी तरीके रोका जाए, वो खबरें चल रही है, अभी खबरों की पुष्टि नहीं हुई है, इस चीज को भी समझ के आप कामकाज करेंगे तो बेटर रहेगा। तो मार्केट का आपको व्यू आउटलुक पूरा आपको बता दिया किस तरीके से आप केएलसी में कामकाज करेंगे। कांडला की बात कर लेते हैं, कांडला में पामोलिन 965 चल रहा है, कांडला में पामोलिन हम 940 रुपए के आसपास एंट्री लेंगे, 920 रुपए का सपोर्ट रहेगा कांडला पामोलिन का, ऊपर में हमारा लेवल 990 रुपए का, नीचे में सोया रिफाइन का सपोर्ट का लेवल 950-55 चल रहा है, 940 रुपए के आसपास आप खरीदारी करिए, 940 से 930 की रेंज में 920 के आसपास का सपोर्ट लगाइए। टॉप की रेंज ऊपर में 980 रुपए तक आपको रेंज का सोया रिफाइंड की देखने के लिए आपको मिलेगी। तो सारी रणनीति, सारा व्यू, सारा आउटलुक आपको एक ही बार में आपको हमने यहां पर दे दिया है, किस तरीके से बाजारों में कामकाज करेंगे, किस तरीके से रणनीति बनाएंगे। खरीदारी बिक्री करने के पहले अपने ट्रेडर एडवाइजर ब्रोकर निवेश सलाहकार से सलाह जरूर लीजिएगा। और मॉर्निंग सेशन में जुड़ने के लिए हमारे साथ 9:45 का सेशन जुड़ने के लिए स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा, अभी जाइए तुरंत जाके आप जुड़ेंगे हमारे साथ और मार्केट का व्यू ट्रेंड आपको सारा रोजाना वहां पर मिल जाता है, तो आपको फ्री नहीं है वो, आपको ज्वाइन होना होगा। तो नंबर पे आप संपर्क करिए, आप वहां पर आप जाके जुड़ सकते हैं। तो ये सितंबर मंथ का एक्सक्लूसिव वीडियो दे दिया हमारे एंड से, मस्टर्ड ऑयल में हमने बता दिया, मस्टर्ड सीड में आपको बता दिया, मस्टर्ड सीड 6500 के ऊपर 6700 तक की स्ट्रेंथ है, सलोनी सरसों में भी 200 रुपए की आपको तेजी देखने के लिए मिल सकती है। तो सारी जानकारी तेलों से संबंधित, सोया ऑयल, पामोलिन, राइस ब्रैन ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सभी कुछ मैंने आपको यहां पर बता दिया है किस तरीके से आप बाजारों में कामकाज करेंगे, सारी जानकारी। फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नई खबर के साथ, इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।